हेलो फ्रेंड्स, जय राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है, देखिए किस चीज़ से हो रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये एक कंटेनर है, इसके बीच में क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मैंने ये सिर्फ आपके लिए ये रेसिपी बनाई है। तो ये है घर का पिसा हुआ हरा नमक, और बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आप इसको यूज़ में किन किन चीज़ों में ला सकते हैं? रायता, सैलेड, नींबू पानी, फ्रूट, बहुत ही टेस्टी ये है। फ्रेंड्स, मैं गई थी कल मार्केट और वहाँ से स्पेशल ही नमक बनाने के लिए मैं हरा हरा ये फ्रेश धनिया लेके आई थी और साथ में चुलाई का साग भी लेके आई थी। तो स्पेशली मैंने हरा नमक बनाने के लिए ही मैं इसको लेके आई थी और बहुत ज़्यादा फ्रेश था ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ है तिरमिरा लेने के लिए मैं आई थी। तो ये देखिए, हमारे यहाँ की लोकल भाषा में तिरमिरा बोलते हैं, और बहुत ही तेज़ धार कांटों वाला ये पेड़ होता है, और इसकी नरम नरम पत्तियों से जो है हरा नमक बनाएंगे। इसमें और भी कुछ चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं तिरमिरा लेने के लिए आई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पेड़ होता है। इसकी दातुन भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, और कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ जो बनती हैं हमारी, तो इसको यूज़ में लाते हैं। इसके बीज जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से होता है तिरमिरा। और यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके, पानी से धोकर, इनको बारीक बारीक करके काट देंगे। तो यहाँ पे धनिया है, पुदीना है, और तिरमिरा है, हरी मिर्च है, और साथ में नींबू भी है। फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम मिला देंगे अच्छे से। फिर इसमें जो है हम ऐड करेंगे नींबू। नींबू ऐड करने से यह होगा कि हम चटपटा नमक बना रहे हैं, तो नींबू डालने से इसमें जो है चटपटा स्वाद आएगा, और बहुत अच्छा होता है नींबू भी। तो इस तरीके से जो है हम सारे जो है हमारी हरी हरी पत्तियाँ, इनको हम काट के मिक्स कर लेंगे, और साथ में डाल देंगे हम नींबू। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो है, तो ये देखिए, हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको चंगेटू। तो ये बांस का बना होता है, और इस तरीके से मैं इसमें फैला दूँगी। और ये देखिए, इस तरीके से खुले से बर्तन में भी, अखबार में भी, या किसी कपड़े के ऊपर भी आप इसको धूप में सुखा सकते हैं। तो मैंने इसको यूज़ में लिया है। तो इस तरीके से सारा का सारा डाल देंगे और धूप में सुखाने के लिए छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ भूल गई थी जो मेन चीज़ होती है। तो ये देखिए, ये है कड़ी पत्ता, और इसको भी मैंने धो के अच्छे से काटकर, फिर मैंने धूप में इसको भी अच्छे से डाल दिया था सूखने के लिए। फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि कल जो धूप थी बिल्कुल ऐसी ही थी, थोड़ी थोड़ी। अगर तेज़ धूप हो तो एक दिन में भी सूख जाता है ये। तो ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हरा नमक। तो ये देखिए, कितने से अच्छे से ये सारी पत्तियाँ जो हैं सूख गई हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पे मैं लूँगी यहाँ पर सेंधा नमक, और ये सिंपल नमक। यहाँ पे मैंने जीरा जो है अच्छे से भून के पीस लिया है, और 10 से 11 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं। अगर आप डालना चाहे लहसुन तो डाल सकते, वो आपकी मर्जी है, नहीं भी डाल सकते हैं इस नमक में। तो यहाँ पर मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से पीसने के बाद जो है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हरा नमक देखने को मिलेगा, और इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। पूरे किचन में इसकी खुशबू ही खुशबू हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का ब्लॉग हरा नमक का, पहाड़ी नमक का। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको कैसे लगा ये हरा नमक वाला ब्लॉग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है, कैसा नहीं। तो मिलती हूँ किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा।